अमृतसर में ना एक बहुत ही फेमस ढाबा है, केसर दा ढाबा। उसकी दाल मखनी आई थिंक सबसे ज़्यादा फेमस है। तो वो दाल कैसे बनाते हैं, मतलब क्या क्या ऐड करते हैं, थोड़ी सी उनकी भी रेसिपी फॉलो करेंगे। और बिना क्रीम ऐड किए, बिना कलर ऐड किए, बहुत ही बढ़िया दाल बना के बताऊँगी। सेम आप भी बना सकते हो, पूरी रेसिपी देखना। इस दाल मखनी को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये काली माँ की दाल नहीं जाएगी, साथ ही इसके आपको थोड़ी सी ऐड करनी है ये साबुत मसल, जो बाहर से ब्राउन होती है और अंदर से रेड रेड होती है ना, वो वाली। बिकॉज केसर के ढाबे वाले भी ना ये ऐड करते हैं दाल, तभी एक अलग सा टेस्ट आता है। तो 1/4 पोर्शन जो है आपको वो साबुत मसल का डालना है, और साथ में थोड़े से राजमा, जबकि राजमा जो केसर के ढाबे वाले हैं वो नहीं डालते, बट हम लोगों को ना माँ राजमा खाने की आदत हो चुकी है, तो 1/4 कप कह लो यहाँ पे मैं राजमा ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि घरों में मोस्टली हर कोई माँ राजमा ही बनाता है। तो इस दाल को अच्छे से वॉश कर लो, उसको बाद आप इसको सोक करके रख सकते हो ओवरनाइट, या फिर कम से कम 4-5 घंटे, बिकॉज हमारे पास भट्टी तो है नहीं घर पे कि हम उस पर रख दें और ओवरनाइट पकती रहे। तो या तो आप ये दो दालें मिक्स करके दाल मखनी बना सकते हो, या फिर जैसे मैंने राजमा भी ऐड किए हैं वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ओवरनाइट सोक कर दूंगी मैं, ताकि ये अच्छे से फूल जाए और गैस की बचत भी हो। सो गुड मॉर्निंग, दाल देख सकते हो आप, दाल राजमा सब कुछ फूल चुका है थोड़ा थोड़ा, और हर कुछ अपने असली रंग में आ चुका है। आप ये दाल देख सकते हो कैसे नेचुरली लाइट रेड कलर लग रहा है ना। ये दाल बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगी, एक थिकनेस भी देगी और कलर भी देगी हमारी दाल मखनी को। तो अब इसे बॉईल करना रखना है, तो पानी के साथ साथ आप इसमें ऐड करो थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई भी तेल जो आप चाहते हो, साथ ही साथ मसालों में से सिर्फ नमक और देगी मिर्च, ठीक है। देगी मिर्च इसलिए ताकि जब उबले अच्छे से कड़े माँ, तो बहुत अच्छा सा एक नेचुरली रेड कलर भी मिले, ठीक है। तो देगी मिर्च डालो जिससे कलर ज़्यादा मिलता है और तीखा कम होता है ना, वो वाली मिर्ची। तो चलिए इसको रखते हैं अब गैस पे। ये दाल जितनी स्लो कुकिंग पे बने उतनी ही ज़्यादा बढ़िया बनती है, तो इसलिए फुल फ्लेम पे आप इसको पहले 10-15 विसल्स दिलवा लो, और फिर बिल्कुल इसको सिम करके, मतलब बिल्कुल लो गैस करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। थोड़ी देर मतलब कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दो, फिर चेक कर लो। अगर प्रॉपर पक गई है तो ठीक है, पानी कम लगता है तो पानी ऐड करके दोबारा रख दो। लेकिन आप देख सकते हो मैंने पानी ऑलरेडी ज़्यादा डाला था, बिकॉज़ मैं चावल बनाने वाली हूँ उसके साथ। तो परफेक्ट, एक तो पक गई है, दूसरा जो हमने देगी मिर्च डाली थी, दाल डाली थी, उसकी वजह से बहुत ही अच्छा नेचुरली आप देख रहे हो रेड कलर भी आ चुका है। तो अब बारी है तड़का बनाने की। तो मैंने लिया है लहसुन, अदरक, यहाँ पर मैं थोड़ी सी ले रही हूँ हरी मिर्च, बिकॉज अभी देगी मिर्च थोड़ी और जाएगी तो तीखा फिर अपने हिसाब से एडजस्ट करो, ठीक है। और प्याज और 2 टमाटर, अब इन सबको मैं चॉप कर रही हूँ हैंड चॉपर में, बिकॉज इलेक्ट्रिक चॉपर मेरा हो गया ख़राब अब, तो आज हम हैंड चॉपर यूज़ करते हैं। पूरे 9 ईयर्स के बाद मेरा वो इलेक्ट्रिक चॉपर ख़राब हुआ, काफ़ी लंबा टाइम निकल गया वैसे। चलिए बुरा ये भी नहीं है, जब तक इसका स्ट्रिंग नहीं टूट जाता, इससे भी मसाला वैसे अच्छा चॉप हो ही जाता है। अब तड़का जो है मैं बना रही हूँ सरसों के तेल में, जिसमें जा रहा है तेजपत्ता, दालचीनी, थोड़े से लौंग और ज़ीरा। इस दाल मखनी को आप चाहो तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, चाहो तो इसको बिना प्याज के बना लो, या बिना टमाटर के बना लो, या फिर प्याज टमाटर दोनों ही ऐड ना करो। सिंपली दाल को पका के ऊपर से आप देसी घी का तड़का लगाओ, वो भी बढ़िया टेस्ट आता है। इवन केसर के ढाबे पे ऐसा ही मिलता है, वो ऊपर से पता तड़का बना के डालते हैं, वो देसी घी के तड़के में डालते हैं प्याज, जीरा और थोड़ी सी देगी मिर्च, और इतना ज़्यादा देसी घी पर प्लेट में जाता है, आई मीन पर कटोरी में जाता है, पर मज़ा आ जाता है वहाँ की थाली खा के। तो चलिए यहाँ पर मेरा तो तड़का रेडी है मसालों के साथ, थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ मसालों को अच्छे से मैश करने के लिए, ताकि ये मसाला जो है अच्छे से मैश हो जाए। लास्ट में गया ये थोड़ा सा गरम मसाला, और अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी दाल उबली हुई, ताकि वो थोड़ी सी मैश कर ले और बड़े अच्छा सा थिक टेक्सचर आ जाए।
अब सारी दाल मैं इसमें मिक्स करके इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी काफ़ी देर के लिए, ताकि इसमें बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट आ जाए। तो मीनवाइल मेरे घर पे भी टाइम हो चुका था भैया के ऑफिस जाने का, तो उनके लिए टिफ़िन में यहाँ पर थोड़ी दाल निकाली मैंने, ऊपर डाला बटर और धनिया। तो चलो वो तो चले गए ऑफिस, अब बाकी की दाल को हम रेडी कर लेते हैं अपने तरीके से। इसमें मैंने ऐड किया कम से कम 20 मिनट्स के बाद बटर यहाँ पे, क्योंकि इस दाल के लिए स्लो कुकिंग एक्चुअली में बहुत ज़रूरी है। वो पंजाबी में कहावत है ना कि जब भी लेडीज़ को किचन में ज़्यादा टाइम लग जाता ना तो आवाज़ पड़ती है कि गल गैस ते माँ रखी हुई है जो इतना टाइम लग गया है, क्योंकि सच में माँ जो है वो ज़्यादा टाइम में ही पकते हैं तो अच्छे बनते हैं। तो ये ऊपर से मैं बना रही हूँ देसी घी का तड़का, जिसमें मैंने डाला है जीरा और देगी मिर्च, दैट्स इट। केसर के ढाबे वाले ना इसमें प्याज भी डालते हैं थोड़े से, तो आप चाहो तो प्याज भी डाल सकते हो, मैंने प्याज नहीं डाले, सिंपली देसी घी का तड़का लगाया। और ये आप ये फाइनल लुक देखो। वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले तो इसको लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हो मतलब पहली बार मेरा कोई वीडियो देख रहे हो तो फिर सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, ताकि नेक्स्ट वीडियोस का आपको पता चल सके। ये मैंने मलाई लेके थोड़ी सी उसको पतला किया और ऊपर से गार्निशिंग कर दिया, ठीक है। तो आपको कौन सा वाला लुक अच्छा लग रहा है, देसी घी वाला के मलाई वाला, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और इसके साथ परांठे की रेसिपी देखनी है तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हो। तो बिना क्रीम के, बिना कोई आर्टिफिशियल कलर ऐड किए, इस तरीके से दालों को मिक्स करके आप ऐसे ही सेम ट्राई करना और मुझे बताना कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।